फिर से एक नया 5G फोन लॉन्च हो चुका है। फोन का नाम है, अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकल, Vivo V20 Pro। जी हाँ दोस्तों, एक Vivo ने न्यू फोन लॉन्च किया, Vivo V20 Pro। ऑब्वियसली बेसिकली देखा जाए तो एक बड़ा भाई Vivo ने एक ऐड किया है। जैसे कि आप सभी को पता है Vivo ने V20 लॉन्च किया था पहले, और वो अकेले बोर हो रहा था तो सोचा कि इसी सीरीज पे मेहनत करते, तो Vivo ने इसी सीरीज पे मेहनत करके Vivo V20 का बड़ा भाई जो है लॉन्च किया, एक क्रिएट किया Vivo V20 Pro। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले कि Vivo V20 Pro कैसा है, इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करने वाले, फोन को हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। अगर आप इस फोन को लेने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके बड़े काम की है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना गाइस, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो मेरा नाम है शेखर प्रास्त, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है Vivo V20 Pro लॉन्च हो गया है, तो इसके लुक्स की बात करते हैं हम सबसे पहले गाइस। तो लुक्स काफी कमाल का है गाइस, एकदम प्रीमियम सा लुक है, और 7.49 mm का थिकनेस है ये फोन का, बस इतना सा थिकनेस है गाइस, 7.49 mm का थिकनेस। जब आप फोन को कैरी करोगे तो काफी कमाल का फील आपके हाथ में आएगा, एकदम प्रीमियम सा फील आपको ये फोन देगा। कलर्स की बात करें फोन के, तो ऑब्वियसली गाइस ये फोन में आपको दो कलर वेरिएंट आपको देखने को मिलेंगे, मैलेडी सनसेट काफी बेस्ट कलर है, और न्यू कलर है गाइस। अगर मेरे सजेशन की बात करें तो मैं ये कलर लेना चाहूंगा, क्योंकि एक न्यू कलर है फोन के अंदर। और आप पीछे अगर कलर की बात करेंगे तो थोड़ा रेनबोइश आपको कलर देखने को मिलेगा, थोड़ा पिंक टाइप, ब्लू टाइप, हर कलर आपको देखने को मिलेंगे। और सेकंड कलर की बात करें तो मिड नाइट जैस। ओके गाइस, बेसिकली ब्लैक, डार्क ब्लू एंड ग्रे, ये तीन कलर का मिक्सर कलर दिखता है। अगर आप गौर से देखते हो, जब आपको फोन को अगर थोड़ा टिल्ट वो करोगे तो उसके हिसाब से कलर जो है थोड़े बहुत चेंज हो गए, और बेसिकली स्टैंडर्ड कलर है। बात करें गाइस मेन फोन की प्राइस की, सबसे मेन होता है फोन के अंदर। ओके गाइस, ये फोन में कोई भी अलग अलग वेरियंट आपको देखने को नहीं मिलने वाले, जैसे कि दूसरे फोन में होते थे ना 4GB ऑफ रैम एंड 6GB 8GB रैम, आपको ऐसा कोई ऑप्शन Vivo ने नहीं दिया गाइस। आपको एक ही ऑप्शन आपको देखने को मिलने वाला है, 8GB रैम विद 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, जो कि इसका प्राइस है 29,990 रुपीज, यानी कि 30,000 को 10 रुपए कम, और अप्रॉक्स आप 30,000 भी यहाँ पे आप पकड़ सकते हो। जैसे कि आप सभी को पता है Vivo V20, इसमें भी एक ही वेरिएंट निकला था 8GB ऑफ रैम एंड 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, बट इसका जो प्राइस था गाइस 24,990 था, यानी कि 25,000 अप्रॉक्स आप यहाँ पे पकड़ सकते हो। तो कंपेयर करेंगे दोनों में प्राइस केस में, तो Vivo V20 का 5,000 रुपीज ज्यादा है, लेकिन बट आपको क्वालिटी भी वैसी मिल रही है Vivo V20 Pro के अंदर। थोड़ा बहुत आगे हम कंपैरिजन करके बता देंगे। चलिए गाइस, अब बात करते हैं फोन के कैमरे की, काफी मेन होता है। अगर आप फोटोग्राफर हो या फिर सेल्फीज खींचने के शौकीन हो तो ये फोन आपके बड़े काम का है। सेल्फीज नहीं भी खींचते हो, रेयर कैमरे से फोटो खींचते हो, तब भी ये फोन आपके बहुत बड़े काम का है, क्योंकि गाइस आपको ये फोन में फ्रंट साइड में ड्यूल कैमरा आपको देखने को मिलने वाला है, जो कि 44 मेगापिक्सल का आई ऑटो फोकस के साथ आता है। अगर आप इससे वीडियो रिकॉर्ड भी करते हो तो 4K विद 60fps के साथ आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, यानी कि कितनी कमाल की बात है। अब तक ऐसा होता था कि बैक कैमरे में 4K विद 60fps या फिर 30fps की रिकॉर्डिंग अलाउ होती थी, बट इन दिस फोन यू गॉट 44 मेगापिक्सल का कैमरा आपको मिल रहा है, एंड साथ ही साथ 4K 60fps तक आप यहाँ पे फ्रंट कैमरे से शूट कर सकते हो। तो सोचो बैक कैमरा कैसा होगा। चलिए गाइस, अब बात करते हैं बैक कैमरे की। तो बैक साइड में आपको तीन कैमरा आपको देखने को मिलेगा, 64 मेगापिक्सल का नाइट कैमरा है जो कि काफी कमाल के फोटोज क्लिक करता है। चलिए गाइस, अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में फन टच ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देखने को मिलेगा विद बेस एंड्रॉइड 11 के साथ, जो कि लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, और जब आप फोन को यूज करोगे तो काफी कमाल का फील आने वाला है, काफी कमाल का मजा आने वाला है आपको फोन जब यूज करोगे। तो कनेक्टिविटी की बात करें, ऑब्वियसली आप सभी को तो पता ही ये फोन 5G है, बट गाइस ऐसा नहीं होने वाला कि एक सिम जो है 4G पे वर्क करेगा तो एक सिम 5G पे वर्क करेगा, ऐसा नहीं होने वाला है। इस फोन के अंदर आपको जो है दोनों 5G मोड आपको दिए गए, यानी कि आप दोनों सिम नेटवर्क जो है आपके 5G पे चला सकते हो। ऑब्वियसली इंडिया में 5G नहीं आया, बट 5G के बहुत सारे फायदे है गाइस। जैसे आप सभी को पता है अगर आप 4G नेटवर्क यूज़ करते हो तो उसका अगर इंटरनेट स्पीड देखोगे तो चलिए ठीक है, अगर अच्छी रेंज में भी जाएंगे तो 5-10 Mbps तक अगर दिया, मान लो फॉर सपोज 5 Mbps की स्पीड दे रहा है, अगर वहीं अगर आप 5G की अगर फोन यूज़ करोगे तो आपको नेटवर्क जो है कम से कम 10 Mbps तक जाएगा, जहां 4G जो है 5 Mbps तक दे रहा था वो एरिया में अगर आप 5G फोन यूज़ करोगे तो आपको यहाँ पे 10 Mbps तक स्पीड आपको देखने को मिलेगी, यानी कि 5G का फायदा अभी भी है। 5G नेटवर्क्स आने के बाद तो है ही, बट अभी भी आपको काफी ज्यादा फायदा होने वाला है गाइस। चलिए गाइस, अब बात करते हैं फोन के डिस्प्ले की। तो आपको इस फोन में 6.44 इंचेस का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले आपको देखने को मिलने वाला है, यानी कि डिस्प्ले क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी एंड जो भी आप मूवीज वो देखोगे ऑब्वियसली पिक्चर क्वालिटी में आता है काफी कमाल की होने वाली है। जब इतनी अच्छी क्वालिटी आपको डिस्प्ले में मिल रही है तो ऑब्वियसली आप हाई हाई गेम्स भी खेलोगे, तो गेम्स के लिए आपको क्या चाहिए, प्रोसेसर चाहिए। तो आपको इस फोन में प्रोसेसर मिलने वाला है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 765G का प्रोसेसर आपको देखने को मिलने वाला है, और काफी कमाल का प्रोसेसर, आप हाई सेटिंग्स में यहाँ पे कोई भी गेम्स आराम से चला सकते हो, और काफी तगड़ा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलने वाला है इस फोन के अंदर। ऑब्वियसली आप इतने हाई ग्राफिक्स से गेम्स भी खेलोगे, मूवीज देखोगे, बैटरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है गाइस। तो आपको इस फोन में बैटरी जो है
है 4000 mAh की बैटरी आपको देखने को मिलने वाले विद 33 वॉट का फास्ट चार्जर के साथ। यानी कि भाई अगर बैटरी तो ऑब्वियसली ज़्यादा देर तक टिकने ही वाली है, अगर बाय चांस अगर बैटरी आपकी जल्दी खत्म हो जाती है, अगर ज़्यादा गेमिंग वगैरह अगर ज़्यादा यूज़ होगा फोन का ज़्यादा खत्म हो जाती है, तो उसके साथ साथ आपको 33 वॉट का फास्ट चार्जर भी दिया गया है। तो फटाक से आप यहाँ पे चार्जिंग कर सकते हो और फिर से फ़ोन जल्दी से आपका रिचार्ज आराम से हो जाएगा। तो यानी काफ़ी कमाल के यानी स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा सिर्फ 29,990 रुपीज़ में। बजट फ़ोन तो नहीं है बट इस प्राइस रेंज में काफ़ी कमाल का फ़ोन मिल रहा है। अगर आप दूसरे 5G फ़ोन से कंपेयर करोगे तो है ये रेंज में बट थोड़े बहुत फीचर्स में कम आपको देखने को मिलेगा, बट ये फ़ोन मेरे हिसाब से काफ़ी कमाल के। बात कर दे थोड़ा बहुत कंपैरिजन भी कर ले अगर गाइस वीवो के V20 से और वीवो V20 Pro से, ज़्यादा कुछ है नहीं गाइस, लुक्स पूरे सेम है, बस फ्रंट साइड में आपको सिंगल कैमरा आपको देखने को मिलने वाला, बट और जो V20 Pro में आपको ड्यूल कैमरा आपको देखने को मिलने वाला, ज़्यादा कुछ है नहीं। 720G आपको जो है इसमें स्नैपड्रैगन प्रोसेसर आपको देखने को मिलने वाला है वीवो V20 में। Vivo V20 Pro में जैसे कि मैंने आपको बता दिया 765G का स्नैपड्रैगन प्रोसेसर आपको देखने मिलने वाला है। लुक्स, डिज़ाइन, कलर, कैमरा सब सेम है। लुक्स तो 101% सेम टू सेम, यानी कि जुड़वा भाई है दोनों भी। अब बस थोड़े स्पेसिफिकेशन बढ़े तो बड़ा भाई Vivo V20 को बोल दिए, ज़्यादा कुछ है नहीं कंपैरिजन करने के लिए। मेरा सजेशन ले तो भाई अगर आपका ज़्यादा बजट होगा 30,000 तक तो Vivo V20 Pro काफ़ी बेस्ट है, और नहीं हुआ तो 25,000 का आपको Vivo V20 तो मिल ही रहा है, तो काफ़ी कमाल का है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप एक क्लियर हो गए होंगे कि भाई फ़ोन कैसा है। ऐसा कुछ नहीं बताया मैंने, सिर्फ स्पेसिफिकेशन बताया इस वीडियो के अंदर, और अगर परफॉर्मेंस की बात करो तो काफ़ी तगड़ी परफॉर्मेंस आपको आगे मिलेगी इस फोन में क्योंकि स्पेसिफिकेशन भी काफ़ी तगड़े है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कर देना, मुझे अभी तक मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर फॉलो लाइक नहीं कर फॉलो लाइक कर देना। मिलते हैं इसी कमाल की वीडियो के साथ, तो चलिए बाय बाय।